व्यापार में घाटा, रिश्तों में दरारें या फिर घर का बिगड़ा हो कोई वास्तु आपकी हर समस्या का हल लेकर आए हैं। तथास्तु दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वास्तु की जो आपको रातों रात धनी बना देगा, पैसे वाला इंसान बना देगा। दोस्तों, हम बात करेंगे कि हमें पर्स में क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। देखिए, आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि पर्स के अंदर क्या क्या रखना चाहिए जिससे कि लक्ष्मी ज़्यादा आएगी, आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक और ज्ञान, एक और वास्तु कि आपको पर्स में क्या क्या नहीं रखना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में हम पर्स में कुछ भी रख लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा करने से हमें लाभ होगा या हानि। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम से निजात करा पाएंगे। देखिए, अगर आपके पास पुराने बिल हैं, अगर आप उनको संभाल कर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपका पर्स नहीं बना है। घर का कोई और हिस्सा या फिर कोई और स्थान, लेकिन आपका पर्स नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपने सारे पुराने बिल पर्स में रख रहे हैं, तो भाई साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से जो लक्ष्मी आनी होगी वो भी नहीं आएगी, साथ ही साथ पुरानी लक्ष्मी है वो भी धीरे धीरे करके जाती रहेगी। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बड़े बुजुर्गों की मौत के बाद या माता पिता की मृत्यु के बाद हम उनकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो या उनसे जुड़ा कुछ भी अपने पर्स में रख लेते हैं, उनका आशीर्वाद समझकर, उनकी यादों की सौगात समझकर कि यार पर्स में ये रहेंगे तो दादाजी का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। लेकिन वास्तु की अगर बात माने तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आने वाली हैं, आपको ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल कंगाल बना देंगी या फिर में आपसी कलह बना रहेगा, आपके जो रिश्ते हैं उनमें दरारें आती रहेंगी। तो अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की या किसी भी इंसान की जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी फोटो अगर आपके पास है तो भाई साहब जल्द से जल्द निकाल लीजिए, क्योंकि वरना फिर आपकी ज़िंदगी में इतनी समस्याएँ आ जाएंगी, उन्हें निकाल पाना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, अपने इष्ट देव की फ़ोटो भी रखते हैं पर्स में। जो लोग ऐसा करते हैं कि यार इष्ट देव का आशीर्वाद उनके साथ रहना चाहिए, तो वो इष्ट देव की फ़ोटोज़ हमेशा पर्स में रखकर घूमते हैं। तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पर्स में आपकी इष्ट देव की फ़ोटो है तो जितना जल्दी हो उसके उसे वहाँ से निकाल दें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। तो ऐसा करने से बचें, अपने पर्स को साफ़ सुथरा रखें ताकि लक्ष्मी आपके पर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पर्स में हम कुछ भी डाल के रखते हैं यार, कुछ भी पुराने कागज़ जिनका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ तो मिल गया कि 5 का सिक्का गिरा हुआ था मिल गया हमने डाल दिया, कोई भी पुराना कागज़ हमें मिल गया हमने डाल दिया, बस कि हाँ हमारे पास है। भाई साहब ये वाली गलती भूल के भी मत करो, पर्स में वही रखो तो सबसे पहले आपका काम का है प्लस साफ सुथरा है। अगर आप ये वाली गलती कर रहे हो कि कुछ भी डाल कर चल रहे हो कि हाँ भाई यार है ये वाला कागज़ कभी ना कभी तो काम आ जाएगा, ये वाला डॉक्यूमेंट कभी ना कभी तो काम आ जाएगा और फिर तुम चले पड़े हो, तो भाई ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा भूल कर भी ना करो। देखिए दोस्तों, हर जगह का अपना अलग महत्व होता है। अगर आप ये गलती बार बार दोहरा रहे हैं और उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये पैसा आ क्यों नहीं रहा, ये गलती मैं कहाँ कर रहा हूँ, और ही जगह पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये सोच आपके दिमाग में आ रही है तो सबसे पहले अपने पर्स की सफाई करो। अगर आप ये कर पाते हैं, अगर आप उन हर एक चीज़ को निकाल देते हैं जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो मेरी बात मानिए, आपको एक महीने में रिजल्ट मिल जाएगा और आप भी कहेंगे कि हाँ यार वाकई में बड़े काम की चीज़ थी। देखिए, अगर आप वास्तु को मानते हैं तो आपका साथ देता है, अगर आप वास्तु को नहीं मानते, अगर आपको लगता है कि सब घड़ंत बातें हैं, तो वास्तु कुछ ना कुछ कर आपको एक ना एक दिन जरूर यकीन दिला ही देगा कि जैसे दुनिया में हम हैं वैसे ही दुनिया में वास्तु है, जो हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द आपको एक और नई वास्तु की दुनिया में ले जाने के लिए। तब तक आप सभी को तथास्तु।